साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि बटरफ्लाईज का क्या मतलब होता है। कभी आपने नोटिस किया है कि एकाएक आपको कई दिनों तक लगातार बटरफ्लाईज आसपास तितलियां नजर आने लगती हैं? क्यों हमको नजर आती हैं या क्या वो हमको कुछ मैसेज देना चाहती हैं? अगर आप ये जान जाएं कि बटरफ्लाईज का मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है, तो आप उनके द्वारा दिया जाने वाला मैसेज भी समझ पाएंगे। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि बटरफ्लाईज किस किस चीज का सिंबल है और किस कलर की बटरफ्लाई आपको क्या मैसेज दे सकती है। सबसे पहले जानिए कि बटरफ्लाईज क्या होते हैं। बटरफ्लाईज होते हैं, तितलियां होती हैं स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक, एक नई जर्नी का, एक नई बदलाव का प्रतीक, चेंज का प्रतीक। तो बटरफ्लाईज जब भी आपको दिखती हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ आपके जीवन में होने वाला होता है। सबसे पहला सिंबल्स होता है बटरफ्लाईज का, अगर वो आपको नजर आ रही हैं तो यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या तो शुरू हो चुकी है और या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली है। कईयों बार हमारे मन में उथल पुथल रहती है कि मैं ये सीख लेती हूँ, या एंजल्स क्या होते हैं, ये कोर्स क्या होता है, मेरा ये जन्म क्यों हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको घेरे हुए होते हैं, हम उनका आंसर समझ नहीं पाते। लेकिन एक्चुअल में ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। तो अगर ऐसी उथल पुथल के दौर में आपको बटरफ्लाईज नजर आती हैं, तितलियां अपने आसपास नजर आती हैं, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि यस, अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का टाइम आ चुका है। इस बारे में और अच्छे से सोचिए और अपनी जीवन यात्रा में अब आगे बढ़िए। तो क्लियर मैसेज होता है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। दूसरा मैसेज, अगर आपको बटरफ्लाईज सपने में नजर आती हैं, तितलियों को आप सपने में देखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जीवन में कोई ना कोई बदलाव होने वाला है। चेंज हमेशा ऐसा नहीं कि आपके ऑफिस में चेंज हो जाएगा, ऐसा चेंज नहीं, लाइफ में कुछ भी चेंज हो सकता है। आप कोई बुरी आदत छोड़ना आपके लिए जरूरी हो, या आप एकाएक डिसाइड कर लें कि अब मैं ये आदत छोड़ देता हूं, मतलब अब मैं स्मोकिंग छोड़ देता हूं, अब मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब कोई भी हैबिट, कोई भी रिलेशनशिप जो आपको परेशान कर रहा है, एकाएक आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब मैं इसको छोड़ देता हूं, अब मैं ये काम बदल देता हूं, मैं लेट सोकर उठती हूं लेकिन अब मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगी, यानी चेंज का प्रतीक। तो सपने में तितलियों को दिखने का मतलब है कि आपके जीवन में बदलाव की जरूरत है, उस दिशा में सोचिए और कुछ ना कुछ बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। तीसरा, एंजल्स का मैसेज, अगर आपको तितलियां अपने आसपास नजर आती हैं तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल ऊर्जा, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपके नजदीक हैं, कोई ना कोई मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं। क्योंकि उनके पास हमारी तरह शरीर नहीं है तो उनके मैसेज देने का यही तरीका होता है। वो इस तरीके से आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं, या तो आपने कोई प्रेयर उनसे की है, कुछ मांगा है, तो वो उस माध्यम से आपको जवाब दे रहे हैं, या फिर उस समय आपके मन में क्या थॉट चल रहा है उसको तुरंत चेक करिए। हो सकता है वो जवाब आपको बटरफ्लाईज के माध्यम से मिल रहा हो। तो एंजल्स की प्रेजेंस भी हमको बटरफ्लाईज के द्वारा फील होती है, एंजल्स भी हमको अपना मैसेज देती हैं। और बहुत खास चीज, अगर आपको तितलियां बहुत अपने आसपास दिख रही हैं तो हो सकता है कि हमारे वो फैमिली मेंबर्स जो गुजर चुके हैं वो आपके इर्द गिर्द हों, उनके पास भी शरीर नहीं है लेकिन वो अपनों को मैसेज अगर देना चाहते हैं कि आज भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके आसपास है, उनका आशीर्वाद आपके पास है, तो वो भी तितलियों के माध्यम से हमारे इर्द गिर्द आते हैं। तो यानी जब भी आपको तितलियां अपने आसपास दिखती हैं, बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा एकाएक दिखने लगे, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि आपको बराबर तितलियां रोज नहीं दिखेंगी कि आपको रोज आपके पास आकर बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ दिन आपको दिखेगी, उसके बाद वो दिखना बंद हो जाएगी। जैसे ही आप उनका मैसेज समझ जाते हैं, जो मैसेज वो देना चाहती हैं, अगर वो आपकी समझ में आ जाता है तो फिर उनका दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि उनका पर्पस पूरा हो चुका होता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो एंजल्स की, जो तितली, जो बटरफ्लाईज की प्रेजेंस को हम जिस अर्थ में ले सकते हैं, इन सारी चीजों की प्रेजेंस हो सकती है तितलियों का दिखना। अब अगर आपको येलो कलर की ज्यादा बटरफ्लाईज दिखती हैं
तो समझ लीजिए आपके लिए मैसेज है कि डिप्रेशन छोड़िए, खुश रहिए, जॉय का, हैप्पीनेस का मैसेज आपको बटरफ्लाइज दे रही हैं। अगर आप किसी परेशानी में उथल पुथल है, दिन रात टेंशन कर रहे हैं, डिप्रेशन में आप हैं, तो येलो बटरफ्लाइज का दिखना मतलब आपके लिए एंजल्स का मैसेज है कि खुश रहने की कोशिश करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं अगर आपको ऑरेंज कलर की बटरफ्लाइज दिखती हैं तो एक्साइटमेंट का, एनकरेजमेंट का, एंजल्स आपको एनकरेज कर रही हैं, आप जो भी जीवन में कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसमें वो आपके साथ हैं, वो अपनी प्रेजेंस दिखा रही हैं कि हर सूरत में वो आपको एनकरेज करेंगी, आप पॉजिटिव रहकर काम करिए। अगर आपको व्हाइट कलर की बटरफ्लाइज दिखती हैं तो व्हाइट कलर तो हमेशा से स्पिरिचुअलिटी का कलर है, तो व्हाइट कलर का इर्द गिर्द ज्यादा, व्हाइट बटरफ्लाइज का इर्द गिर्द ज्यादा दिखना मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का अब समय आ गया है। आपको एंजल्स मैसेज दे रही हैं कि कुछ इस बारे में सोचिए, आपके मन में अगर उथल पुथल उस समय चल रही है या उस दौर में आप सोच रहे हैं कि क्या मैं एंजल थेरेपी कर लूं, क्या मैं रेकी सीख लूं, या क्यों मैंने जन्म लिया है, क्या कारण है, तो इन सब सवालों का जवाब व्हाइट आपको बटरफ्लाई दे रही है कि यस, अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का समय आ चुका है। अगर आपको डार्क कलर की ब्राउन या ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है, तितली दिखती है, तो मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी पुरानी चीज को कुछ छोड़ना और नई चीज को अपनाना, किसी भी चीज में हो सकता है, रिश्तों में भी हो सकता है, आदतों में भी हो सकता है, कपड़े पहनने के तरीके में भी हो सकता है, लाइफस्टाइल में भी हो सकता है, बदलाव की जरूरत है जीवन में, तो अपने को बदलिए, एनालाइज करिए कि क्या आप बदलना चाहते हैं, जो एंजल्स आपको मैसेज दे रही कि यस ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है। तो साथियों ये है कुछ बटरफ्लाइज का जो मैंने आपको बताया कि क्यों दिखती हैं, हमको क्या महत्व होता है, क्या उनके कलर का महत्व होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसको समझेंगे भी और एनालाइज भी करेंगे, और अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की बटरफ्लाइज दिखती है तो आप भी उनके मैसेज को अब डिकोड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।